सलाम नमस्कार आदाब, तो कैसे आप सब? अभी हम आ गए हैं वापस से, आज तीसरा दिन है और दीवा भवन में आ गए हैं और यहाँ अभी सबका पाइपिंग करना था, तो पाइपिंग करने के लिए आज पाइप अभी दो डाल दिए हैं, एक इसका डाल दिए हैं और एक लास्ट वाले का पाइप डाल दिए हैं और नीचे वाले का पाइप 10 फीट लगना है तो उसका रह गया है और अभी जा रहे हैं इसका इंडोर टाइट करने के लिए और फिर आगे दिखाते हैं आपको, बने रहिए। ड्रेन जो है बाएं साइड में है, तो ये जो होल है बाएं साइड में है, ड्रेन का जो ऑप्शन देता है दाएं साइड बाएं साइड दोनों साइड देता है, तो अब ये ड्रेन को खोल करके यहाँ से और इसमें लगाएंगे और ये जो रबर है इसको दाएं साइड में लगा लेंगे तो क्या डायरेक्ट जो ड्रेन पाइप है ना वो डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। ये इसी का जो है पाइप कस दिए हैं, जो भी कनेक्शन पाइप था कॉपर पाइप वो इसमें कस दिए हैं और ये ड्रेन पाइप अभी रह गया है क्योंकि इसमें ड्रेन पाइप 10 फीट और जोड़ना है, तो ये पीछे लगा देने के बाद ना ड्रेन पाइप इसमें कनेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि पीछे चढ़ने का इसमें जगह नहीं है। यहाँ से देख सकते हैं पीछे इसमें चढ़ने का जगह नहीं है, तो इसके लिए अभी वेट कर रहे हैं, लड़का ऑफिस से ला रहा है ड्रेन पाइप और वैक्यूम पम्प भी लेने गया है, तो ड्रेन पाइप लेके आएगा तो उसके बाद इसको ड्रेन पाइप लगा करके उसके बाद इसको बैठा देंगे। इसके लिए वो भी अभी टाइट नहीं किए हैं क्योंकि उसमें भी ड्रेन पाइप लगना है तो वहाँ भी चढ़ने का पीछे जगह नहीं है, तो अभी पीछे चल रहे हैं, पीछे जो ये कॉपर पाइप है उसको सेट करना है क्योंकि लटका हुआ है, तो उसको क्लिप लगा करके टाई से बांधना है
तो उसको जाते हैं पीछे, पहले कॉपर पाइप को सेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे दिखाते हैं। ये वाला जो एसी है जिसमें 35 फीट पाइप लग रहा है, इसका पाइप का क्लैंपिंग कर दिए हैं। इसमें जो है एसीपी इसका सीट है, ये तो सीट में क्या किए हैं, स्क्रू और वाशर के अंदर एक टाई डाल दिए हैं और उसमें इसको फिक्स कर दिए हैं। ये पूरा टाइट हो गया है, दो तीन जगह मार दिए हैं तो ये पूरा सही से लग गया है, अब ये हिलेगा भी नहीं। और एक पाइप ये हो गया, अभी एक पाइप का इसी तरीके से क्लैंपिंग करना है, वो लास्ट में ट्रांसफार्मर के पास, तो उसका क्लैंपिंग करेंगे और उसके बाद फिर इसका पाइपिंग शुरू करेंगे इंडोर आउटडोर में। एक एसी का इधर का भी पाइपिंग क्लैंप कर दिए हैं, दोनों एसी का पाइप क्लैंप हो गया, एक वहाँ से उतरा है और एक यहाँ से, और एक तो ऊपर में है वो नीचे डायरेक्ट इस पर आएगा, स्टैंड के पास में आएगा, तो वो बाद में क्लैंप करेंगे। और अभी जा रहे इसका पाइपिंग करने, सबसे पहले नीचा वाले का पाइपिंग करेंगे, ऊपर वाले का तो एक इंडोर लग गया है, आउटडोर का भी नहीं हुआ है, तो अभी नीचा वाले का करेंगे उसके बाद फिर दिखाते हैं आपको। अभी दो एसी का आउटडोर का पाइपिंग कंप्लीट हो गया है और दो इंडोर का भी कंप्लीट हो गया है। अभी तीसरा आउटडोर का जो पाइप है यहाँ पे फ्लेयर बना लिए है और इसको लगाएंगे, उसके बाद उसका पाइपिंग करेंगे। अभी जो तीन नंबर का है लास्ट इसका रह जाएगा, जिसका भी पाइप इसमें डालना है, और ये जो होल है यहाँ से पाइप आएगा और इस आउटडोर में जाएगा, तो इसका सिर्फ रह गया है, बाकी बाद सबका पाइप लग गया है। और अभी फिर आगे का दिखाते हैं आपको। पांचों एसी का पाइपिंग कंप्लीट हो गया है और इसका वैक्यूम करने जा रहे हैं, वैक्यूम पंप भी नया लेके आ गए हैं। ये एक पाइप हो गया यहाँ से और दो पाइप उधर से हो गया, तीन ऊपर का जो हो गया, और सारे आउटडोर में पाइप जो है कनेक्ट हो गया है। इंडोर आउटडोर का जितना पाइप है सब कनेक्ट हो गया है, इंडोर का भी सारा पाइप कनेक्ट हो गया है। अब सिर्फ रह गया इसका वैक्यूम करना, तो वैक्यूम करने के लिए भी वैक्यूम पंप हम लेके आ गए हैं, ये नया वैक्यूम पंप लेके आ गए हैं। तो वैक्यूम पंप भी लेके आ गए हैं, नया वैक्यूम पंप है और बहुत छोटा वैक्यूम पंप है ये, तो अभी नया लिए ही है इसको, तो खोल के दिखाते कितना पड़ा है। देखिए बहुत छोटा सा है, एक बित्ता के आसपास में ये आ जा रहा है, तो ये भी नया वैक्यूम पंप लेके आए हैं, इससे वैक्यूम करेंगे सभी मशीन को और फिर एसी को चालू करेंगे। तो चलिए वैक्यूम करते हैं इसको। मशीन सारे मशीन का वैक्यूम हो गया है और वैक्यूम करके सभी को चालू कर दिए हैं, ये भी चालू है, ये भी चालू है, ये भी चालू है, टोटल मशीन चालू हो गया है। अब बाहर आउटडोर चालू करके देख लेते हैं कि आउटडोर में आवाज़ तो नहीं आ रहा है, तो उसका फिर क्लियर करके उसके बाद फिर कस्टमर को दिखा देंगे कि सब मशीन चालू हो गया, फिर निकलेंगे। जितना भी एसी है सब चालू हो गया है, एक दो और ये तीन अभी चालू किए हैं, ये तो कल चालू कर दिए थे। और ये जो बीच वाला है, इसका जो ये नीचे वाला क्या आउटडोर है, तो इसका है कि पंखा जो है बॉडी में टच हो रहा था, इसके लिए साउंड आ रहा था, तो इसको अभी खोल करके और पंखे को चेक कर लिए हैं, सही कर दिए हैं, अब दोबारा से चालू करवाते हैं फिर चेक कर लेते हैं। पांचों एसी जो है फाइनल चालू हो गया है, पांचों एसी, और इसका ड्रेन पाइप भी नीचा कर दिए है, दीवार से बाहर कर दिए है सारा का ड्रेन पाइप जितना भी है। अभी दो में यहाँ पे ड्रेन पाइप लग रहा है और बाकी बात जो ड्रेन पाइप है सब हो गया है। और एसी भी कस्टमर को चेक करवा दिए है, तो अभी सीधा निकलते हैं घर, अभी सीधा निकलते हैं घर और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक पे।